पुलिस के पास जुर्म उगलवाने के एक से एक तरीके होते हैं। सारे सबूत हैं हमारे पास, बेहतर यही है कि तुम खुद बताओ कि कत्ल कैसे और क्यों किया। कीज़ मेरी की तो तुम हो, जो तुम मुझे हर वक्त मोटिवेट रखती हो। मेरी फनी बेटा, आपको बताया था ना, मेरे एक ऑफिस के क्लीग है, उसकी मदर की तबीयत काफी खराब है, वो हॉस्पिटलाइज है। आई हैव टू गो सी हर। मामा अब आते ही जा रही हैं, मैंने कितना वेट किया आपका, आप सारे काम करके आती ना। बेटा मुझे फ्रेश भी तो होना था ना। मैं भी चलूं सर? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे एग्जाम्स हैं, तुम्हें पढ़ना है, और वैसे भी हॉस्टल में ज्यादा रश नहीं लगाते हैं। इतना तैयार होकर हॉस्पिटल कौन जाता है? जाना पड़ता है, सिंगल मदर को अपने आप को कैरी करना पड़ता है। तुम्हारे पापा तो 10 साल पहले मुझे डिवोर्स करके अमेरिका जाके बैठ गए, अब मुझे ही सब मैनेज करना है ना, अपने आप को, तुम्हें, अपनी जॉब को, इस घर को, एंड स्पेशली तुम्हारी स्टडी को। अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, मैं निकलती हूँ। अगर मैं आने में लेट हो जाऊँ तो खाना खा के सो जाना। कल संडे है ना, हम खाएंगे पियेंगे और शाम को घूमने जाएंगे। Still angry? No. Oh my baby, my love. I love you, Farhad. I love you. इस तरह से अचानक नहीं बुलवाया करो, वीक में एक बार तुम्हारे लिए टाइम निकालती हूँ ना ऑफिस से। भाई तुम्हें पता है तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हें वीक में एक बार तो क्या। हर रोज सुबह शाम दिन रात देखते रहने को, प्यार करने को दिल करता। आज तो बहुत रोमांटिक हो रहे हो तुम। तुम्हारी खुशबू मुझे रोमांटिक कर देती है। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ हर रात गुजरे, पर क्या करूं, पिंकी को भी तो टाइम देना पड़ता है। मैं जानता हूँ तुम अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन अगर वो हमारी मोहब्बत के दरमियान आ रही है तो तुम उसकी कस्टडी उसके बाप को दे सकती हो। इसे अनजान मत बन जाया करो, तुम जानते हो ना उसकी कस्टडी मेरे पास है, इसीलिए वो घर भी मेरे कब्जे में है। उसका बाप उसके खर्चे के लिए $1,000 भेजता है मुझे हर महीने, वो भी तो मेरे ही काम आते हैं। जॉब तो बस मैं दिखावे के लिए करती हूँ, वरना सैलरी से बनता ही क्या है। तुम शादी कर लेते? तुम्हें क्या लगता है मैं औरत होके ये रिस्क क्यों लेती हूँ? मैं भी चाहती हूँ कि हर रात तुम्हारे साथ गुजरे, लेकिन जो केस मैंने पिंकी के बाप से जीता है उसके टर्म्स के मुताबिक जैसे ही मैंने दूसरी शादी की तो उसकी कस्टडी भी मेरे हाथ से निकल जाएगी और बाकी सब भी। तो क्या हम बस ऐसे ही मजे कर रहे हैं ना हम दोनों, बस तुम मेरी नीड पूरी करते रहो और मैं तुम्हारी। कोशिश करती हूँ कि वीक में 2 मरतबा तुमसे मिलने आ जाया करूँ, अब खुश? मेरे ख्याल से पिंकी तो अब सो गई होगी ना, तो मैं सोच रही हूँ कि एक मौका जनाब को फिर दिया जाए। वाकई? बस तुम नाराज मत हुआ करो। अच्छा एक सेकेंड, ये टैबलेट ले लो, वरना फिर तुम फोन करके मुझे कहती रहोगी फरहाद आई एम प्रेग्नेंट, मैं क्या करूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत बहुत शरारती हो गए, लाओ खा लेती हूँ तुम्हारी खाते, पानी दो। और
हेलो वाही डार्लिंग, तुम्हारा फरहाद तुम्हें मिस कर। तो करते रहो मिस, अभी तो कल की नींद भी पूरी नहीं हुई है। तो तुम मेरे पास आके सो जाओ ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो आ जाओ ना, तुम्हें बहुत प्यार करने को दिल कर रहा। नेक्स्ट वीक आऊंगी। अब नेक्स्ट वीक यार, तब तक तो मैं मर जाऊंगा। ऐसी बातें मत करो जानू। तो फिर तुम ही कोई हल निकालो ना, कुछ ऐसा हो जाए कि हम रोज मिल सके, एक दो घंटे के लिए एक दूसरे में गुम हो जाए। मैं भी तो यही चाहती हूँ। आ जाओ ना। गुड मॉर्निंग मामा। अच्छा तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बाय बाय बाय। गुड मॉर्निंग माय लव। किसका फोन था मामा? मेरी वही दोस्त थी, कह रही थी कि मैं आज भी उसके पास जाऊं। तो चली जाए, वैसे भी मुझे अकेले रहने की आदत हो चुकी है। ओह माय बेबी, डोंट से लाइक दैट। आज हम ब्रेकफास्ट लंच मिलके बनाएंगे और शाम को घूमने भी जाएंगे। और मेरी स्टडीज बेबी, आज संडे है और मेरे एग्जाम में सिर्फ 3 वीक्स हैं। And I'm very weak in literature. And these are finals. और आपके पास तो टाइम नहीं कि मुझे रोज पढ़ाए। लेकिन बेटा, तुम्हें अच्छे मार्क्स हर हाल में लेके आने हैं। यही तो मैं कह रही हूँ। I'm weak in literature. I want tuitions. कुछ करते हैं? आपने मेरी बेटी पिंकी को इंग्लिश लिटरेचर की ट्यूशन देनी है। Why not? After all, ये तो मेरा प्रोफेशन है। पिंकी बेटा, मुझे तो आपके टीचर सही लगे हैं। आपको कुछ पूछना है? नहीं मामा, आपको ठीक लगे तो सर ठीक ही होंगे। चले फिर डन हुआ। पिंकी 2 बजे के लगभग घर वापस आ जाती है। आप उसे 4 से 6 बजे के बीच ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। 6 बजे पिंकी जिम जाती है और मैं ऑफिस से वापस आ जाती हूँ। तो यही टाइमिंग हमारे लिए सही है। इसका मतलब है कि 6 बजे हम सबका एक्सरसाइज का टाइम। सिर्फ मैं, क्योंकि मैं जिम जाती हूँ। पिंकी बेटा, आप चाय लियो। ओके। तुम शरारतों से बाज नहीं आओगे? ये मेरा घर है। पिंकी मेरी बेटी है, आफ्टर ऑल मैं उसकी माँ हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसे शक हो हमारे बारे में। तुम फिक्र ना करो, बस ये बताओ कि आज का क्या प्लान है। मतलब? मतलब क्या? ऑब्वियसली तुम्हें देख के दिल में चल रहा है। अभी तो पिंकी को जिम जाने में बहुत टाइम है। मेरे पास उसका हल है। वो क्या? अब रोज तुम्हें देखूंगा, रोज दिल मचकेगा। पर नहाने से रोज पिंकी को कहीं भेज भी नहीं सकते। सॉरी बेटा, मोबाइल दो। ये आपकी चाय? सर ये आपकी चाय? तो नहीं 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 पिंकी, आपके पापा का है? वो शहर से बाहर गए, रात तक आ जाएंगे। तो क्या ख्याल, शुरू करें? पहले इसे इसके बेडरूम तक तो छोड़ कर आए। चलो मदद करो मेरी। ओके।
मामा, मैं सो कैसे गई? ये कैसी नींद थी? और मेरा सर भारी हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है कभी कभी, इसमें इतनी फिक्र करने की क्या बात है। मामा, सर फरहान चले गए? हाँ हाँ, वो तो चाय पीते ही निकल गए थे। कल से वो रेगुलर आएंगे और तुमने अच्छे से अपने स्टडी पर फोकस करना है। और सबसे अहम बात, तुमने जिम भी टाइम पे जाना है, बेशक सर फरहाद बेटर है। सर फरहाद तो घर पर अकेला छोड़ गए। हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि कल से मैं जल्दी घर आ जाऊँ ताकि उन्हें चाय कॉफ़ी दे दूँ। तुम तो बनाने से रही। ठीक है मामा। निंदारी सो जाओ। सर, आप बार बार टाइम क्यों देख रहे हैं? नहीं, एक्चुअली वो तुम्हारे जिम जाने का टाइम हो गया ना, और अभी तक माँ, मेरा मतलब है तुम्हारी मामा नहीं आई अभी तक। सर, मामा के लेट होने और मेरे जिम ना जाने का एक ही रीजन है, और वो है रेन। वो जैसे रुकेगी वो आ जाएंगी। तुम जिम नहीं जाओगी? सर, मेरे जिम की तो फिक्स टाइमिंग है, और वैसे भी नेक्स्ट ब्लॉक में ही तो है। मैं बाय वॉक जाती हूँ, लेकिन अभी रोड्स खराब होंगे। ओके। सर, आपका मूड खराब क्यों है? नहीं, पिंकी, कैन यू प्लीज मेक सम टी फॉर मी? या श्योर। हेलो माही, कहाँ हो तुम? आई नीड यू। पागल तो नहीं हो? पिंकी के सामने क्या बकवास कर रहे हो? वो नहीं है, उसको मैंने चाय बनाने भेजा। तुम जल्दी पहुंचो ना। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। पिंकी का क्या करेंगे? मैं कुछ करता हूँ उसका, तुम पहुंचो। शुक्र है तुम आ गए। सॉरी, मुझे पता है मैं लेट हो गई हूँ, और मेरी वजह से तुम्हारा मूड भी ऑफ है। तो ऑफ है? माही को तुम्हारा मूड बनाना भी आता है, तो फिर चलें बेडरूम। बेडरूम में पिंकी बेहोश सो रही है, और हमारा बेडरूम तो
यही। मम्मा मम्मा क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ कुछ भी नहीं हुआ। श्योर? या मम्मा ये किस चीज की टैबलेट है? किस चीज की भी नहीं है, तुम जाओ अपने कमरे में जाओ जाओ चलो जाओ। मैं अपनी इज्जत के साथ खेल रही हूँ। किसी दिन पिंकी को पता चल गया तो उसकी नजर में उसकी मामा का इमेज क्या रह जाएगा? उसे यकीन हो जाएगा कि उसके पापा ने मुझे छोड़कर अच्छा किया। मुझे खुद को फरहाद को कंट्रोल करना पड़ेगा। पिंकी जी एक बात बोलूं? जी सर बोले। तुम बहुत प्यारी हो। वो तो मैं हूं, लेकिन आप इतने दिन बाद कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम बहुत ब्रेव भी हो, और वो इसलिए कि तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे पापा साथ रहते हैं, लेकिन मैं पहले से जानता हूं कि तुम्हारे मामा पापा में डिवोर्स हो चुका। अरे ब्रेव हो ना, तो इधर आओ मेरे पास, इधर आओ। तुम एक बहादुर लड़की। हाथ मिलाओ। अब से हम फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स तो हम पहले से ही हैं सर। हाँ, लेकिन अब से हम स्पेशल फ्रेंड्स हैं। स्पेशल फ्रेंड्स? जिसके बारे में हम किसी को नहीं बताएंगे, तुम्हारी मामा को भी नहीं। उनके पास तो टाइम ही नहीं है इतनी खूबसूरत प्यारी लड़की को देने के लिए। तो मैं तुम्हें टाइम दूंगा, तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, बिल्कुल एक दोस्त की तरह। पिंकी, you have very soft skin. Thank you, sir. तो हम कहाँ थे? एक सेकंड। ये लो। Secret love. Secret love? तुमने पहले पढ़ी है ये? जी सर। तो बताओ, love क्या होता? Feelings, sir. Feelings तो होती हैं, लेकिन कैसी feelings? तो मैं तुम्हें बताता हूं कि लव क्या होता। तो सपोज करो कि तुम एक लड़की हो जो कि तुम हो, और मैं एक लड़का हूं जो कि मैं नहीं हूं, बट सपोज करते। नो सर, यू आर टू यंग। थैंक यू सो मच, यू इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल गर्ल। तो हम सपोज करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, तो मैं कहूंगा कि तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं, और तुम्हारे चीक्स दे आर लाइक वाइट स्नो, और तुम्हारे लिप्स दीज बर्निंग लिप्स, दीज लिप्स कैन बर्न होल वर्ल्ड, और तुम्हारी गर्दन पिंकी, योर नेक इज सॉरी, तुम खूबसूरत हो। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे राइट मिल गया तुम्हें छूने का। नो इट्स ओके फरहाद सर। नो इट्स नॉट सर, पर अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना, स्पेशल फ्रेंड्स। आई नीड सम टी।
कल ये मेरे बेड पे रख। I can adult movies. हेलो माही, तुम सही कह रही थी, हमें केयर करनी चाहिए। तुम एक काम करो, तुम ऑफिस से मेरे फ्लैट पे आ जाओ। हाँ बस मैं भी निकल रहा हूँ। ओके बाय। आप ओके? जिसकी तुम जैसी खूबसूरत दोस्त हो वो ओके कैसे नहीं होगा? अच्छा ये पेन ड्राइव है, इसमें कुछ वीडियोस हैं जो तुम अकेले देखना, मामा को भी नहीं। इसमें क्या है सर? इसमें सब कुछ है, जरूर देख। जी मामा जी, घर लॉक कर लिया है जी, बस सोने लगी हूँ, आप टेंशन नहीं लें। जी जी ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ रात गुजारने के लिए अपनी जिस दोस्त की माँ को मैं पिछली बार हॉस्पिटल पहुँचा के आई थी ना, आज उसे मार दिया। तो अब ये कि मैं, तुम और पूरी रात। पक्का? पक्का। ये सर फरहाद ने कैसी वीडियोस दे दी जी। क्या हुआ मेरी खूबसूरत दोस्त? तुमने वो डेटा देखा जो मैंने दिया था? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ लव एंड पैशन। तुमने जो देखा वो सब करें तुम्हें अच्छा लगे। हम दोस्त हैं ना, सीक्रेट। तुम्हें वो सब करके अच्छा लगेगा और तभी तुम्हारी बेचैनी खत्म होगी। मुझे सुकून चाहिए। कुछ होगा तो नहीं सर? होगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हारा रूम कहाँ है? पिंकी बेटा, आज तुम जल्दी सो गई?
बस मम्मा नींद आ गई थी। और तुम्हारे सर भी आज जल्दी चले गए, उन्होंने मेरा वेट भी नहीं किया? उन्हें कोई काम था। अच्छा चलो ठीक है, तुम सो जाओ, सही है। गुड नाइट। गुड नाइट। कैसी गुजरी? शाम का इंतजार करते करते मुझे फिर से करना है। माही डार्लिंग आ गई तुम। क्या कर रहे हो, ऐसा बोलो, पिंकी सुन लेगी। पिंकी जिम गई है। रियली? तो फिर इसका मतलब है कि हम अपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें? हुआ क्या फरहाद? वो ये सब बताओ फरहाद, मैं प्रेग्नेंट हो गया। मुझे कैसे याद नहीं रहा, एक काम करो तुम, ये तो मम्मा भी खाती थी। मुझे नहीं पता, बस
तुम ये खा लो। ट्रस्ट मी, सही हो जाएगा सब। फरहाद चलो ना अंदर चलते हैं। माही जब 10 साल से किसी को पता नहीं चला तो अभी भी पता नहीं चलेगा। और फिर पिंकी जिम गई है, 1 घंटे से पहने आने नहीं लगी वो। तुम भी ना बहुत जिद्दी हो गए हो, एडवेंचर का शौक हो गया है तुम्हें, बेडरूम छोड़कर सोफा पसंद आ गया। मामा और फरहाद का अफेयर 10 साल से चल रहा है, इसलिए फरहाद को मेरा ट्विटर बनाकर यहाँ लाया गया ताकि मामा और फरहाद मजे कर सकें। इसका मतलब है कि 6 बजे हम सबका एक्सरसाइज का टाइम। और सबसे अहम बात, तुमने जिम भी टाइम पे जाना है, बेशक सर फरहाद बेटर है। सर फरहाद तो घर पे अकेला छोड़ गए। नहीं एक्चुअली वो तुम्हारे जिम जाने का टाइम हो गया ना, और अभी तक माँ, मेरा मतलब है तुम्हारी मामा नहीं आई अभी तक। ये तो मम्मा से खाती थी। मुझे नहीं पता, बस तुम ये खा लो। मेरे पापा ठीक कहते थे, मामा का कैरेक्टर ठीक नहीं है, लेकिन इस फरहाद कमीने को तो पता था कि वो मेरी माँ के साथ होता है, तो भी मुझे यूज किया। इस पर हाथ की तो खैर नहीं, मेरी मां से पकड़ूंगी। पिंकी, पिंकी आर यू ओके? एंटी प्रेगनेंसी पिल्स। मामा, व्हाट इज दिस? क्या ये? कहाँ मुंह काला काटी फिर रही हो? बोलो, क्यों नहीं हो? मुंह काला करवाने की बात आप तो करें ही नहीं मामा। कहना क्या चाहती हो? होश में तो हो? You want me to show you? देखना है आपको? Yeah, show. ये क्या है मामा? What is this? जब 10 साल से किसी को पता नहीं चला तो अभी भी पता नहीं चलेगा। ये क्या है मामा? 1 घंटे से पहने आने नहीं। Explain करें। अब मुझे वो काला कराने की बात कर रही है? Sorry. करें explain. I'm sorry. Explain करती हूँ मैं तुम्हें। क्या explain करेंगी आप? यही कि पापा के होते हुए आपने फरहाद के साथ अफेयर चलाया? यही कि आपको रोज रोज उनसे मिलने में मुश्किल हो रही थी तो उनको ट्विटर बना के मेरे घर पे ले आए? खुद सोचे मामा, आपने क्या किया है? आप शादीशुदा थी, एक बेटी की माँ थी आप। फरहाद ने आपको ट्रैप कर लिया तो मैं क्या चीज हूँ? फरहाद ने तुम्हारे साथ उसने किया ये? हाँ मामा, कई हफ्तों से हो रहा है ये सब। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। I promise अब नहीं होगा। Sorry, I'm sorry. Okay, Mama. लगता है आज बहुत मूड है मेरी दोस्त का। बहुत ज्यादा। जब बहुत ज्यादा मूड होता है तो बहुत ज्यादा मस्ती करनी चाहिए।
किसके साथ मस्ती करनी चाहिए? मेरे साथ या मेरी बेटी के साथ? वो तो माही तुम? हाँ। तुमने मुझे धोखा दिया, मोहब्बत का धोखा दिया है। पिंकी, he's dead. अच्छा हुआ। अगर हमने इसकी लाश कामयाबी के साथ छुपा दी ना, तब अच्छा होगा, वरना नहीं। तो फिर? और फिर हमने लाश के टुकड़े टुकड़े किए और उसे बड़े से बैग में भरकर पुलवे से समंदर में फेंक दिया। उसका फोन, पर्स वगैरह भी। और तुम लोगों को लगा कि लाश ठिकाने लग गई। कत्ल नहीं छुपता, जो मर्जी कर लिया जाए। आपको पता कैसे चला कि कत्ल हमने किया है? समंदर की मछलियां तो लाश का गोश्त खाती हैं, लेकिन कपड़े और मोबाइल नहीं। जब वहां से मिलने वाली चीजों की फरात के हवाले से आइडेंटिफिकेशन हो गई, तो ब्रिज की सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ दो लड़कियां थी जिन्होंने बड़ा बैग फेंका था। लेकिन उससे भी पहले फरात का कभी भी ट्यूशन पढ़ाने से ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन वो इसी घर में ट्यूशन पढ़ाता था। क्यों? और एक ही घर की माँ और बेटी को लंबी लंबी काले करता था और गंदी गंदी वीडियोज बेचता था। क्यों? और माँ यानी माही जी, आपके फोन पे तो फरहाद पिछले 10 साल से कॉल कर रहा था। क्यों? माही का 5 साल पहले और पिंकी का 2 हफ्ते पहले एक ही लैब से प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ है। क्यों? जब इन सारे क्यों का जवाब ढूंढा, तो आप दोनों ही मुजरिम निकली हैं। चलो अब हवालात चलते हैं, बहुत मस्ती कर ली आप लोगों ने।